ये जगह है, सिर्फ ये वाहिद जगह है जहाँ पर सिग्नल आते हैं। इन्होंने ये फोन यहाँ पर टांगा हुआ है, तो जब इनको फोन करना होता है तो यहाँ पर आते हैं, और जब फोन रिसीव करना होता है इसको लाउड पे लगाया हुआ है, तो इनको फोन आ जाता है। बहादुर नौजवान, तुम पे हो रब की अमान, अल्लाह ने तुमको चुना, करते रहो यूं ही दिफा इस्लाम का। फक है, आफाक है, दीन की पहचान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आफाक खान, और इस वक्त मैं अफगानिस्तान के सूबे लोगार से हम लोग आए हैं। तकरीबन 3.5-4 घंटे का रास्ता हम लोगों ने पहाड़ों पर तय किया, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कोई आबादी नहीं होगी। हम ड्राइव करते रहे, उसके बाद आप इस गांव को देख सकते हैं। यहाँ पर मुकम्मल तकरीबन 25 से 30 घर हैं, आप इनको देख सकते हैं, इन घरों को। और आइए मैं आपको एक घर दिखाता हूँ, जहाँ पर हम ने थोड़ा सा जो है वो ब्रेक लिया है, मेहमान बने जाके, और रियल लोग रहते हैं। और आप इसकी खूबसूरती जो है, ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये देखें, मिट्टी से इन्होंने इस तरह का कलर दिया हुआ है कि इंसान हैरान रह जाए। ये आप देखें, ये वाटर वेल है जहाँ पर पानी ना होने के बराबर है, और यहाँ पर ये लोग तकरीबन 1.5-2 घंटे का सफ़र करके, एक यहाँ पर एक गधा है जिसके ऊपर ये लोगों को पानी लाना पड़ता है। मैंने पूछा तो बताया गया कि इस पूरे गांव में सिर्फ एक गाड़ी है, और वो शख्स भी तकरीबन 1000-1200 पानी लेता है इनको अगर कहीं जाना हो। और एक सबसे बड़ी मज़े की चीज़ आप ये नोट कीजिएगा, ये इनका मेहमान खाना है। अच्छा, यहाँ पर फ़ोन सिग्नल्स कैसे आते हैं? इन्होंने एक फ़ोन यहाँ पर टांगा हुआ है, ये मैं आपको बता दूँ। ये देखें, ये जगह है, सिर्फ ये वाहिद जगह है जहाँ पर सिग्नल्स आते हैं। इन्होंने ये फ़ोन यहाँ पर टांगा हुआ है, तो जब इनको फ़ोन करना होता है तो यहाँ पर आते हैं, और जब फ़ोन रिसीव करना होता है इसको लाउड पे लगाया हुआ है, तो इनको फ़ोन आ जाता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी, एक गाँव वाले ने यहाँ पर बड़ी अच्छी बात की, बोला डिस्को टेक्नोलॉजी के दौर में भी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि हम ये समझते हैं कि दुनिया हमारे हाथ में आ चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं हमारे मुसलमान अफगानिस्तान के बहन भाई, जो इन हालात में आज भी रह रहे हैं। और ये देखिए, पौधों ने भी तकरीबन ये फल देना जो है वो बंद कर दिए हैं। तो जहाँ भी रहें अल्लाह का शुक्र अदा करें, और ये देखें कि इस तरह के लोग आज भी मौजूद हैं, आज इस दौर में भी 2023 में भी ये जो है मौजूद है। हम कहते हैं कि गांव की ज़िंदगी बड़ी अच्छी होती है, माना कि अच्छी होती है, लेकिन जब आपको जीनी हो तो फिर आपको पता लग जाता है कितना मुश्किल है। कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है। और अगर इनको जाना होता है तकरीबन 3-3.5 घंटे का सफ़र पैदल, सुबह 4 बजे, बहुत करीबी जो जगह है वो 1.5 घंटे का सफ़र है, सुबह 4 बजे जाते हैं, वहाँ से फिर उनको एक बस मिलती है जिसके बाद ये लोग शहर की तरफ जा सकते हैं। तो सोचा आप लोगों को विजिट करा दूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।